हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। तो कैसी रही आप सबकी दिवाली? तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कैसे मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया था, क्योंकि अभी मंदिर में तो अपने घर के जा नहीं सकती, तो उसको क्या ही डेकोरेट करूँगी। ऑलरेडी वो फेस्टिवल सीज़न के लिए तैयार था, काफ़ी सारे फेस्टिवल गए थे, तो अभी तो प्यारे प्यारे दीपक जलेंगे और थोड़ी सी रंगोली बनेगी। वो हस्बैंड अगर बना दिए तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी उनको काफ़ी पूजा का काम हो गया है। तो ये मेरी स्टार्ट हुई डेकोरेशन। ये मैंने नया थ्रो दिया था, बहुत ज़्यादा ऑफर पे मिल गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं अभी आइकिया का हॉल निकालूंगी तो मुझे इंडिया से भी सस्ते सामान मिल जा रहे हैं आइकिया में, क्योंकि नीचे एक सेक्शन रहता है, मैं आपको बताना चाहूँगी। आइकिया के एक जो रिटर्न वाली साइड है, वहाँ से अगर आप जाएंगे तो नीचे से अगर जाएंगे तो एक सेक्शन रहता है जहाँ पे डिस्प्ले या ऑफ़र के पीसेस रहते हैं, बायबैक पीसेस भी रहते हैं। तो ये डिस्प्ले में उन्होंने कुछ आइटम्स लगाई होती हैं, ये कुशन भी इवन वहीं के हैं। तो एक पहले लिया था मैंने 2 महीने पहले और एक अब लिया है। तो कुछ कुछ लड़के वहाँ जो काम करते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उनके पास अगर प्राइस लगवाने जाएं, अगर इस पे ना लगाओ तो वो इतना ऑफ़र और दे देते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो ये मेरे को बहुत ही चीप में मिल गया है और इतना वार्म है इस सीज़न के लिए, परफेक्ट है विंटर सीज़न के लिए। थोड़ा सा अगर आपको सोफ़ा पे बैठना हो तो ठंड तो लगती है, तो आपको कवर कर देगा, नहीं तो नीचे सोफ़ा भी ठंडे लगने लगते हैं। तो ये चल रही है मेरी सफ़ाई तो ऑलरेडी करके ही गई थी मैं, मंदिर चली गई थी। मंदिर मैंने नहीं जाना था, मतलब नीचे इस्कॉन टेम्पल में रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पर बैठ गई थी। तो हस्बैंड और बेटी दर्शन कर आए थे, तो अच्छा हो गया, दिवाली के दिन मंदिर जाना ही चाहिए। तो मेरा तो करवा चौथ वाले दिन नहीं हो पाया था, ना होई का व्रत रहता है अष्टमी का बेटी के लिए, उसके दिन भी नहीं हो पाया। तो अच्छा, इन दोनों का दिवाली के दिन हो गया। तो चल रही है सफाई, आ गई मेरी डॉटर, और ये मैं दिखा रही थी, ये मेरा नया नाइट सूट, जिसने करवा चौथ का व्लॉग देखा हो, नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं कोई न्यू नहीं हूँ यूट्यूब पे, ये मेरा सेकंड चैनल है। क्योंकि लोग देख के सब्सक्राइब करते हैं कि हाँ भाई इतने कम सब्सक्राइबर है तो क्या सब्सक्राइब करना, ये मेरा सेकेंड चैनल है, मेरे ऑलरेडी 70K सब्सक्राइबर्स हैं। उधर मैंने लंदन वगैरह का शेयर नहीं किया कि मैं लंदन में हूँ, वहाँ मैंने इंडिया का बेस्ड कंटेंट ही रखा है और कुछ कुछ और शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि चैनल को मैं गवाना नहीं चाहती हाथ से। मेरे को पता है उसमें आएगा थोड़े दिन बाद यूट्यूब का बटन, तो ऐसे कौन करता है, उसमें तो मोनेटाइज भी है, ये तो न्यू चैनल है। तो आप इस सोच से मत सब्सक्राइब करना, अगर देख भी रहे हो यूट्यूब, अगर इक्का दुक्का लोग को भेज रहा है, मैंने वहाँ बोला भी नहीं है कि ये मेरा नया चैनल है, नहीं तो सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ जाएंगे। बट मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है कि देखना है कैसे होता है क्या नहीं। वो मैंने 8-9 साल पहले का चैनल है मेरा, तो 70K आराम से उसमें सब्सक्राइबर हैं। तो ये देखो डाइनिंग टेबल भी हटा दिया, ये मैं करती रहती हूँ ऐसे ना, ये सोफ़ा सारी जगह नाच चुका है मेरा, पहले इसी जगह था स्टार्टिंग में, नहीं पहले उस विंडो पे था जहाँ पे वो आराम वाली चेयर है ना हिलने वाली। और पहले मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दिखा रही थी कि मेरा जैसे ना ये करवा चौथ में न्यू जो नाइट सूट लिया था, ये इसके साथ नहीं है, लोअर तो ये अमेज़ॉन में पूरा सेट है, ऊपर वॉर्म वाला उसका है, और ये मैंने आज प्राइमार्क से जो लिया था पूरा सेट था ये भी। तो इसका देखो टी शर्ट मैं जोत चला रही थी और ऊपर ऐसे कर दिया, भोग लगाने लगी और एकदम वो सॉफ्ट्स वाले कपड़े होते ना जल ही गया, और मेरे को अंदर तक जलने को हो रहा था, जल्दी से मैंने भुजा लिया। तो मेरा इतना फेवरेट था, और क्या बोलते हैं ना कई बार नए कपड़े किसी दिन पर नहीं पहनने चाहिए, जल जाते हैं, पर मैंने उन दिनों पर नहीं पहने थे फिर भी जल गया। अब ऐसा एक और लूँगी, क्योंकि इस सीज़न में ना ऐसे ही कपड़े चलते हैं, ये अंदर भी हो, क्योंकि हीटर चलाते हैं तो गर्मी लगने लगती है, अगर नहीं चलाया हो तो ऐसे ऐसे कपड़े सही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हीटर चलाओ तो मेरे सर में कुछ होने लगता है थोड़ी देर में, एक आधा घंटा 15 मिनट तो ठीक है रूम को वार्म करने के लिए, उसके बाद मेरे को बंद करना पड़ता है, नहीं तो हेडेक का इशू लगने लगता है, किसके साथ ऐसे होता है। तो अभी नीचे की सारी क्लीनिंग मैंने कर रखी थी, इस रूम की बची थी शायद, बाकी सारी जगह की करके गई थी, तो अभी फटाफट यहाँ की भी कर ली थी, ऑलरेडी क्लीन ही था। तो ये देखिए मेरी डेकोरेशन है, ये मैंने दिवाली की थाली करवा चौथ की थाली यूज़ कर ली, बहुत प्यारी लग रही थी। ये आइडियाज़ मैं ऐसे क्रिएट कर
देखती रहती हूँ। अगर आप मेरे इंडिया वाले सुपर स्टाइलिश नम्रता चैनल में देखेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे से दिवाली के लिए और ऐसे लिविंग रूम टूर, हाउस टूर, ये सब भी बहुत करती थी और काफ़ी पसंद आते थे मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो ये मेरा सारा नया ही लुक हो गया, ज़्यादा क्रिसमस बेस्ड थीम लगने लगी मुझे, है ना, तो क्रिसमस पे भी काम आ जाएगा। और ये है, फिर ये दिवाली वाले रूम में थोड़ा हस्बैंड से करवा दिया, मैंने तो मंदिर में जाना नहीं था क्योंकि सेकेंड ही डे था ना, तो कौन जाएगा, सेकेंड थर्ड ऐसा, हाँ डे था तो नहीं जा सकते ना। और ये चरण लिए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, ये ऊपर रखने वाले चरण नहीं थे क्योंकि इसमें दीपक बने हैं, नहीं तो लोग ऊपर रखने वाले भी लेते हैं। ये मेरा इंडिया का ही था, यहाँ भी मैंने लिए थे गणपति के टाइम पे काफ़ी लटकाने वाले, वो इस वॉल पे लटकाए हैं, वो भी दिखा देती हूँ आपको। और ये सब हस्बैंड ने किया है, अप्रिशिएट करना, क्योंकि जेंट्स लोग को नहीं पता चलता। मैं बाहर बैठी थी डोर पे ना और बता रही थी, पर काफ़ी अच्छा कर दिया उन्होंने, तो काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है। तो ये गाइस दिन का सीन भी देख लीजिए, दिन का क्या 2-3 बजे का सीन है, बट आजकल तो ऐसा ही मौसम रहता है, थोड़ा बारिश टाइप, तो दिन और रात तो पता ही नहीं चलता। दिवाली वाले दिन भी पूरा ऐसा मौसम रहा था, इवन शाम को भी बारिश थी, तो हम बारिश में ही मंदिर गए थे इस्कॉन, वो तो ट्रेन में जाना होता है, पर रास्ते में भी पहुँचने तक बारिश लग रही थी, तो बिल्कुल धूप हो। तो ये देखिए इन्होंने कुछ कर दिया है, पहले नहीं था, ये दिवाली से 10 दिन पहले ही लगा है कि अभी हमको भाई ऊपर बनाना है। और तो इंडिया में ऐसे नहीं होता ना, बिल्डिंग्स में ये बिल्डिंग्स ही हैं जैसी, बहुत टॉल बिल्डिंग्स तो नहीं होती हैं, कुछ कुछ एरियाज़ में बनती हैं, अब तो जो न्यू कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ हैं तो ये इनको और ऊपर बढ़ाना है, आई थिंक 6-7 फ्लोर तक है। तो देखिए ऐसे इंडिया में नहीं होता ना बिल्डिंग्स में, हाँ घर तो आप कितने भी ऊपर बढ़ा सकते, तो इससे भी थोड़ी लाइट कम हो रही है, वैसा ऐसा कोई सीन तो नहीं है, काफ़ी गैप है, तो अभी 1 साल तक बोल रहे हैं ऐसा ही रहेगा। और ये देख लीजिए इस साइड मैंने लाइट जलाई हुई है तो आप दिन का भी सीन देख लीजिए कैसा। और ये देखिए सारी डेकोरेशन मेरी, ये भी आइकिया की थाली, ये भी इतने सस्ते प्राइस पे मिल गई है इंडिया में, 1300 से 1400 तक में है ये ब्रास की थाली। ये भी एक जो देखा आपने घड़ा टाइप का टाइप वास है, ये मैंने ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में मिला था, ये भी सस्ता मिल गया था 5 पाउंड तक का। तो काफ़ी सस्ते में मैं चीज़ें यहाँ पे भी ढूंढ ले रही हूँ। और वो करवा चौथ का क्या होता है, करवा भी रख दिया, छननी भी रख दी कुछ कुछ डिज़ाइन बनाने को, क्योंकि मेरे पास इंडिया में इतनी आइटम्स थी ना, मतलब दिवाली का त्यौहार तो मतलब ऐसा था मेरा कि डेकोरेशन सी ख़त्म ही नहीं होती थी मेरी, इतनी प्यारी सी। तो यहाँ का ये जो है ना, ये वाली पेंटिंग या जो भी, ये फ्रेम लगाया ही नहीं हस्बैंड ने। और एक और रंगोली ली हुई थी जो आप देख रहे हैं, ये 5 पाउंड की आई यहाँ पे ना वेम्बले में, ये कभी मैं डाइनिंग टेबल पे रख दे रही हूँ कभी नीचे, ये बनाने का टाइम ही नहीं मिला और थक गई थी क्योंकि डाउन थी ना, झाड़ू पोछे डेकोरेशन और इतने बड़े बड़े सोफ़े हिलाओ, सोफ़ा हल्का ही है पर फिर भी होता ही है ना, तो सब करने में हो जाता है टाइम। तो आई होप आपको ये डेकोरेशन पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और नया चैनल समझ के अगर सब्सक्राइब करने का मन हो रहा हो तो कर देना, मैं कोई न्यू नहीं हूँ इस फील्ड में। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और जो जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी डिप्रेशन वाली वीडियो आपने देखी, आप लोगों ने अच्छे कमेंट किया, मुझे आप जानते हैं ना पहचानते हैं फिर भी आपके दिल में इतनी सिंपैथी है, तो अभी भी इंसानियत बाकी है दुनिया में, मैंने देखा फालतू में कोई किसी को जज नहीं करता। तो थैंक यू सो मच, मच नीडेड है इस टाइम, तो आपने किया कमेंट उसके लिए थैंक यू। तो डॉटर के टॉयज जो थे वो इन बॉक्सेस में ही रहने दिए, इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे क्योंकि क्यूट ही हैं ये बॉक्सेस, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं फिर आपका ही सामान उल्ट पुल्ट करने लगते हैं, यहीं पे पड़ा रहता है वैसे भी उसका ये बॉक्सेस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बाय, लव यू ऑल।